देहरादून के हजारों लोग गुमशुदा हैं, जिनकी घर वापसी की राह उनके परिजन देख रहे हैं। पुलिस ने इन मामलों को लेकर कमर कस ली है। अब पुलिस द्वारा ठोस नीति बनाकर उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। देहरादून में कई लोग ऐसे हैं जिनकी घर वापसी की आस लगाए आज भी कई परिजन बैठे हैं। पिछले 20 सालों में 5,500 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थानों में लिखाई गई, जिनमें से 4,000 के करीब लोगों को पुलिस उनके घर तक पहुंचा चुकी है, लेकिन अभी भी 1500 लोग गुमशुदा हैं। ऐसे में पुलिस इन हजारों लोगों की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन टीम गठित कर चुकी है। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की तलाशी में तेजी के साथ काम किया जाएगा। मिसिंग लोग चल रहे हैं, उनको रिव्यू करने के लिए बताया गया है और इसमें जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, उसमें लगता है कि कोई इसमें इस तरह का मैटर है जिसमें एक प्रॉपर बड़ी टीम बनाने की आवश्यकता है, तो उसको भी रिव्यू कर लिया जाए और कहाँ कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में सभी से रिपोर्ट मांगी गई है जो लोग कहाँ से मिसिंग चल रहे हैं। DIG ने बताया कि गुमशुदा लोगों को ढूंढने में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए भी सभी थानों से इनपुट मांगा गया है। अपनों से बिछड़ने का दुख आज भी इन पीड़ित परिवारों को है। अब उम्मीद है कि पुलिस इन गुमशुदा लोगों की तलाश करने के बाद उनको घर वापस ले आएगी।